ये गाड़ी जब से एक्सीडेंट हुई है ना तब से इस गाड़ी का पिकअप ही खत्म हो गया है, और पैसे इस गाड़ी में जाने कितने लग गए, सामान में दिखाऊंगा, बहुत सारे लग गए, बहुत सारे एक्सपर्ट लोग भी लग गए। ये गाड़ी फाइनल मेरे पास आई है, मैं इस गाड़ी को पता नहीं बना पाऊंगा कि नहीं बना पाऊंगा ये तो मुझे पता नहीं है, लेकिन चेक करेंगे स्टेप बाय स्टेप। आज आप पहले दिखाता हूँ इस गाड़ी में क्या क्या सामान डला है। सबसे पहले देखो आगे से ठुकी है गाड़ी, है ए रेडिएटर, कंडेंसर, फैंस अलाउड, ये भी नया डला है। इंटेक मैनिफोल्ड ये देख सकते हैं पूरा, ये नया इंटेक मैनिफोल्ड डला है। टैपिट कवर नया डला है, ये टैपिट कवर नया डला है। इंजन का माउंटिंग नया डला है इसमें। ये चेचिस रिपेयर हुआ है, देखो नया पेंट वेंट पूरा डला है, नीचे की चेचिस रिपेयर हुई है, यानी एक्सीडेंट हुआ है तब से इसका पिकअप खत्म हो गया। इधर आओ जाओ, इधर दिखाओ जाओ, ये डब्बे नए डले हैं, एयर फिल्टर असेंबली नई डली है, देख सकते हैं पूरा नया पाइप वाइप है सारा। और करने वालों ने जिसने ये काम किया उन्होंने बताया कि पिकअप आपका दो चीज़ से, एक तो क्लच प्लेट से है और दूसरा फ्यूल पंप जो होता है ना असेंबली, पूरा असेंबली ख़राब है। तो दो चीज़ कस्टमर को बताया कि ये दोनों डालने पड़ेंगे तब पिकअप शॉर्ट आउट होगा। ये नया वायर डाल डुल के सब चेक कर लिए तभी भी प्रॉब्लम नहीं मिला, तो उन्होंने फाइनल बताया कि क्लच प्लेट और फ्यूल पंप असेंबली ये दो चीज़ डलेगा तब जाके गाड़ी का पिकअप ख़त्म होगा। तो कस्टमर ने मेरे को ले आके दिखाए, अब मैं ट्राई लेता हूँ और देखता हूँ कि क्या एक्चुअल में क्लच प्लेट या फ्यूल पंप ख़राब है या फिर कुछ और है। एक्सीलेटर पूरा दबा रखा, ये एक्सीलेटर पूरा दबा रखा है, ये देख रहे हो ना, गाड़ी भागने को तैयार ही नहीं है बिल्कुल यार। ये देखो 24-25 पे जा रहा है, पिकअप तो वाकई में बहुत कम है, गाड़ी चली ना रही है, बिल्कुल भाग ना रही है। लेकिन जिसने भी इस्टीमेट दिया है कि इसका क्लच प्लेट चेंज होगा और इसका फ्यूल मोटर चेंज होगा, तो हम पहले क्लच प्लेट और फ्यूल मोटर को ही चेक करेंगे कि क्या वो सही है कि खराब है। तो मैं जहां तक अभी चेक कर पा रहा हूँ, क्लच प्लेट तो बिल्कुल जीरो जीरो है, क्लच प्लेट का तो इशू है नहीं है पिकअप का। अब मैं फ्यूल पंप को देखता हूँ, वैसे खड़ी करता हूँ बस खाली। इधर दिखाओ जरा, रेस दिखाओ जरा, रेस भी पूरा ले रही है, यानी फ्यूल पंप का भी कोई इशू नहीं है। तो रेस पूरा ले रही है, क्लच प्लेट भी सही है, फिर भी इसका पिकअप डाउन है। चेक करते हैं कि पिकअप क्यों डाउन है, बहुत ही ज्यादा पिकअप डाउन है, गाड़ी चलने को तैयार ही नहीं है ना रहा। लेकिन गाड़ी में एक चीज नोटिस हो रही है मेरे को, ये देखो दूसरे गियर में फुल दबा रखा है, एक्सीलेटर दिखाओ, ये देखो एक्सीलेटर दबा रखा है, मीटर दिखाओ, ये देखो 16 पे देख रहे हो ना, इधर गियर दिखाओ दूसरा पे, ये बुरा हाल है इतना ज्यादा कि ये गाड़ी में रियलिटी में पिकअप कम है, पैसे लग गए बहुत ही ज्यादा। लेकिन मेरे को एक चीज लग रही है, नोट हो रहा है कि जैसे हम क्लच को फ्री कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं, गाड़ी अपने आप ही देखो ऐसा लग रहा है कि ब्रेक लग रहा है, यानी गाड़ी जाम चल रही है, ऐसा मेरे को महसूस हो रहा है। और चल ही ना रही है गाड़ी, बंद हो गई। ये प्रॉब्लम इधर क्लच प्लेट का पंप का नहीं है, ये प्रॉब्लम मुझे लग रहा है कि इसका पहिया कोई जाम हो रहा है, ये हो सकता है भाई। पहिया इतना ज्यादा ये हीट हो रहा है, बहुत ही ज्यादा, इसका मतलब पहिए में ही प्रॉब्लम है कहीं ना कहीं। उठाओ जरा, ये पूरा जाम है, ये देख रहे हो, हट तेरी यार, हट। कोई कलाकारी नहीं है, हम किसी से ऊपर नहीं है, हम ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा हम बहुत एक्सपर्ट मैकेनिक है, बहुत लो मैकेनिक है। लेकिन ये है क्या है, सिर्फ थोड़ा सा लॉजिक लगाना, थोड़ा सा सेंस लगाना है कि जब गाड़ी ठुकी तो क्या ये पहिया जाम क्यों हो गया, क्या कैलिवर पिन बेंड हो गया? कभी भी एक साइड का बेंड होगा दूसरे साइड का नहीं होगा, दोनों पहिए फुल जाम है और गाड़ी चलाने में गाड़ी ऐसे दब सी जा रही है। इसका मतलब ये है कि इसका जो सिलेंडर है, मास्टर सिलेंडर, वो सिस्टम में प्रॉब्लम है। तो हम क्या है, मास्टर सिलेंडर को चेक करेंगे, हम एक्सपर्टीज की बात बता रहा हूँ, इसको छेड़ूंगा ही नहीं, क्योंकि इस इधर प्रॉब्लम से नहीं होता, एक साइड में प्रॉब्लम होगा दूसरी साइड में नहीं होगा, एक ही कोई कैलिवर ख़राब होगा, दोनों नहीं जाम हो सकते। और गाड़ी वाले बता रहे उससे पहले मेरी गाड़ी बिल्कुल फर्स्ट क्लास चलती थी, तो ठुकने के बाद अचानक से कैलिवर पिन जाम नहीं हो जाता, गाड़ी कभी फ्री होती है कभी जाम होता है। तो ब्रेक बूस्टर को चेक करना पड़ेगा, ब्रेक मास्टर को पास में आओ, या तो ये मास्टर सिलेंडर के अंदर इशू आई है या बूस्टर के अंदर। लेकिन सोचने वाली बात है, थोड़ा दिमाग लगाना होता है कि यार ये कैसे हुआ, आखिर ठुकने के बाद से मास्टर सिलेंडर में कैसे दिक्कत आ सकती है? तो ठुकने के बाद से मास्टर सिलेंडर में दिक्कत आए ना आए, बूस्टर में दिक्कत आ सकती है। अब बूस्टर में कभी भी डैमेज होगा या मास्टर सिलेंडर में डैमेज होगा तो दोनों पहिया जाम कर देगा। तो अभी बूस्टर को बारीकी से टेस्ट करते हैं, आ जाओ पास में।
फाइनली हमने प्रॉब्लम को फाइंड आउट कर लिया है। अब प्रॉब्लम देखेंगे ना तो कहेंगे क्या बात है यार मुकेश भाई, ऐसा कैसे, कोई भी पकड़ सकता है इस प्रॉब्लम को, लेकिन बस फॉल्ट जो है ना वो थोड़ा डीप करना पड़ेगा, फॉल्ट को जो है थोड़ा सा गहराई से जांच करनी पड़ेगी, कोई भी पकड़ लेगा। लेकिन थोड़ा बहुत गाड़ी चला के बता देना क्लच प्लेट ख़राब है जी, आपका पंप ख़राब है जी, फ्यूल पंप है, तो हो सकता है उनसे जल्दीबाजी में हो गई हो, ऐसा बड़ा इशू नहीं है कि कोई नहीं पकड़ सकता, वो भी पकड़ सकते थे, लेकिन क्या कहें, बस सबका अपना अपना डायग्नोसिस है भी, लेकिन हम किसी से ऊपर नहीं मानते भाई, हम देसी आदमी हैं, नीचे ही मानते हैं। पास में आओ, फॉल्ट कहाँ देखा है मैंने, यहाँ गौर से जूम करके दिखा लो, ये पिचका हुआ है सिलेंडर, ये देख रहे हो ना, ये पिचका हुआ है सिलेंडर, ये मास्टर सिलेंडर पूरा, जो आपका बूस्टर है ब्रेक बूस्टर, ये पूरा पिचका हुआ है। अब पिचकने की वजह से ब्रेक पैडल ऑलरेडी अंदर दब गया, पिचकने की वजह से, यहाँ देख सकते हैं इसके लेवल में, ये देख रहे हैं ना लेवल, तो इसके लेवल से नीचे है ये पैडल नीचे है, और ये देखो अब बराबर आया देखो, लेकिन ये देखो क्लच का कितना ऊपर है ब्रेक का नीचे, यानी वो पिचकने की वजह से ब्रेक पैडल दब गया और हमारा पहिया जाम हो गया। तो ब्रेक बूस्टर की फॉल्ट है जिसकी वजह से ये पिकअप का प्रॉब्लम आ रहा है। तो ये है भाई ब्रेक बूस्टर, और ये देख सकते हैं इम्पैक्ट लगा है, यानी ठोकर लगी है, देख रहे नहीं कैसे पिचक सा गया है, दूर से दिखाओगे तभी तो पिचका हुआ दिखाई देगा ऐसे किनारी पे, ठीक है। तो ये पिचक गया है, पिचकने की वजह से क्या है, इसका डायफ्राम जो होता है अंदर का डायफ्राम वो दब गया, और दबने की वजह से ब्रेक दबा रह गया, अभी थोड़ा सा बाहर आना चाहिए था लेकिन नहीं आ रहा है, ये दबा हुआ ही रह गया, ये कहानी हो रही है, ये देखो थोड़ा ही दब रहा है, ये भी जाम हो गया पूरा, नहीं तो पूरा ये दबता भी रहता है और पूरा अंदर बार भी होता है, लेकिन ये जाम हो गया जिसकी वजह से ब्रेक लगे के लगे रह गए। अब ये रिपेयरिंग का इसमें मत चक्कर रखिए, क्योंकि इसका बैलेंस आउट हो गया, पूरा सिस्टम ख़राब हो गया। अब खोल देने के बाद से पहिया को देखते हैं, जो पहिया था ये देखो अब हल्के से मैं पहिया बिल्कुल, अब ये देखो ऐसे कर रहे हैं ना जरा, ये कहानी है इसके साथ में, देख रहे ना, तो ये कहानी है, पहिया जाम था इसकी वजह से, पिकअप का प्रॉब्लम था। तो भाई अभी माल मंगाई है जेन्युइन, कश्मीरी गेट से आया है, और ये बूस्टर बूस्टर ही मिल गया, ये अच्छी बात है कि जो पार्ट ख़राब थे वही मिल गया। तो ये देख सकते हैं भाई ओरिजिनल पार्ट, धोखाधड़ी या कोई वैसा वाला काम नहीं है, देख लो रिनल्ट का, देख रहे हो ना रिनल्ट पार्ट्स, जेन्युइन पार्ट्स, जेन्युइन पैकिंग भी देख लो ये, तो ये चीज़ की कमी थी, अब ये वाह बढ़िया। अब इधर दिखाओ जरा, वे वाह, अरे वाह, बिल्कुल फिट, बिल्कुल फिट है भाई मामला, पूरा दब भी रहा है पूरा, बूस्टर अभी फिट कर दिया हमने, और मास्टर सिलेंडर यही रहने दिया, क्योंकि प्रॉब्लम चूंकि बूस्टर का था हमने बूस्टर बदल दी खाली। दबाओ, छोड़ो, और ऐसे देख रहे हो ना, ये देखो नॉर्मल। वाह भाई साहब यार, 15,000 से 20,000 रुपए लगने के बाद भी वो सॉर्ट आउट नहीं होता प्रॉब्लम, तभी भी जो मैंने किया है वही करना पड़ता, और फाइनली मेरे को प्रॉब्लम मिल गई। गाड़ी चलाने का जो मजा, ये देखो, ये देखो, ये देखो, अभी चौथे गियर में, अब देखो खींचना, ये देखो, ये देखो क्या बात है यार, ये छोटी सी क्विड और इतना तगड़ा पिकअप ले रही है भाई साहब, कस्टमर अभी आएंगे ना खुश हो जाएंगे, कहेंगे यार मुकेश भाई क्या बात है यार, तुमने तो यार मजा ही काट दिया, जीरो से चल रहा हूँ मैं, कस्टमर कहेंगे क्या बात है यार मुकेश भाई, आने का फ़ायदा हो गया तुम्हारे पास, बताओ यार बहुत पैसा लग गया इस गाड़ी में यार, आगे का तो सारा ही सामान नया, हेडलाइट भी, बम्पर भी, चेचिस सीधा हुआ जी, बहुत सारा, अब एक्सीलेटर छूने नहीं दे रही है पैर से, देख रहे हो ना पैर रखने नहीं दे रही है, ये गाड़ियों के बीच से कैसे निकल रही है गोली की तरह, अभी तो पाँचवा गियर लगाने की जरूरत नहीं पड़ी, 90 पहुँच रहा है, 80-85 पहुँच गया। ये देखो तीसरे गियर में 70, अब चौथा गियर लगाया मैंने, ये देखो 82-85-87-89-90-91, अब लगाया 93,
ये देखो 93, 95, 96, 97, 98, 99, 97, 98 तक सीमित रहने देते हैं यार। तो कस्टमर कह रहे थे कि एक बैग से जब एक्सीडेंट हुआ तब पिकअप ख़त्म हुआ। हम कहा चलो एक्सीडेंट होता है, ओटू सेंसर ख़राब हो जाते हैं तो भी पिकअप ख़त्म हो जाता है, लेकिन इसमें तो कोई चेक लाइट भी नहीं आ रही है अब फिर भी गाड़ी का पिकअप ख़त्म है। और भाई कोई भी जब तक इसे बारीकी से नहीं टेस्ट करेगा ना तो कोई भी इसमें फेल हो सकता है। मैं भी क्यों नहीं हूँ, मैं भी बारीकी से नहीं टेस्ट करता आज तो मैं भी फेल हो जाता। कस्टमर को ऊपर जाकर चला के बता देता भाई आपकी गाड़ी ओके है जी। तो ठीक है यार, आपने मोहब्बत दी, इतना टाइम दिया, दिल से थैंक यू। दिल करे तो लाइक वाइक करके शेयर कर दीजिएगा ताकि औरों और भी जो टेक्नीशियन हैं उनको पता चले यार ये रेयर केस में ऐसे फॉल्ट होते हैं, हर बार ऐसे फॉल्ट नहीं निकलते हैं, इसलिए मैंने दिखा दी। हालांकि पिकअप का बहुत ज़्यादा इशू था इसके अंदर। तो ठीक है, ओके, थैंक यू, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सभी भाई लोगों को दोबारा से और दिल से राम राम जी, और लाइक कर दीजिएगा। दिल करे तो यार लाइक करेंगे ना तो फिर मज़ा ही मज़ा है, मज़ा डबल हो जाता है। ओके, थैंक यू।